हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज गर्मियों के टाइम में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े और घर में ही आप नान खटाई बना के खाएं। तो नान खटाई बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप बेसन और ये 3 मीडियम साइज की चम्मच सूजी और ये लिया मैंने खांड। तो मैं चीनी का पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो चीनी को 1 कप चीनी को आप पीस कर उसका फाइन पाउडर बना लें और फिर उसको इसमें डालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको रखते हैं साइड में और लेते हैं एक बाउल। तो ये मैंने एक बाउल लिया है और ये लिए इसमें छलनी। तो सबसे पहले डालेंगे मैदा और मैदा को हम इसमें छानेंगे। इसके साथ ही डाल लेते हैं बेसन और ये डाल लेते हैं सूजी। तो ये सूजी को भी हमने इसमें डाल लिया और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो 1 चम्मच डाल दिया हमने इसमें बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना आपको, आपको इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और ये लिया हमने खांड, तो ये भी हम इसमें साथ के साथ ही डाल देंगे। अब इसको हम छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कभी कभी बेसन में ये दाने भी आ जाते हैं, तो हम इसे छान के इसीलिए लेते हैं कि बेसन में कोई भी दाना या गांठ हो तो वो निकल के साफ हो जाए। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद लेंगे हम इसमें, ये मैं काला नमक ले रही हूँ, आप चाहे तो इसमें सफेद नमक ले सकते हैं। और स्वाद के लिए ले रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच हरी इलायची वाला पाउडर। अब इसे कर लेंगे मिक्स। अब इसमें लेंगे हम घी या बटर, तो मैं इसमें ले रही हूँ बटर, आप चाहे तो इसमें घी ले सकते हैं। सभी को मिक्स मैंने अच्छे से कर लिया। अब इसमें लेते हैं हम बटर, आप चाहें तो इसमें घी ले सकते हैं। तो मैं इसमें 1 कप ले रही हूँ, जैसे ये मैंने एक नॉर्मली घर में जो चमचा होता है उतना लिया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। और हमें ये सिर्फ हाथ से इस तरीके से मिक्स करना है, इसको इस तरह से यूँ पकड़ पकड़ के गूंथना नहीं है, बस ये मिक्स करेंगे। अब अगर आपको ये ज्यादा सूखा सूखा सा लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल के इसका, जैसे हम डो तैयार करते हैं रफले, उस तरीके का डो हमें तैयार करना। तो ये हमने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया, बस एक डो जैसे हमने नहीं बनाया परफेक्ट इसको, लेकिन हमने एक हल्का सा इसे इकट्ठा कर लिया है। अब इसे हम बनाएंगे गोलियां। तो लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप इसकी नान खटाई बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें करनी है गोल। अब गोल करने के बाद में हम ये रख देंगे एक प्लेट में। तो इस तरीके से मैं सभी के ऐसे गोले बना लूंगी। अगर आपको लगे कि इसको बनाने में थोड़ा फट रहा है, वैसे ये फट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हो फट रहा है तो आप इसमें हल्का सा दूध डाल सकते हैं और इस तरीके से इसे बांध के इसके छोटे छोटे से गोलियां बना लेनी है। तो ये सभी गोली हमारी बनके तैयार है। अब इसमें हम हल्का हल्का सा हाथ से करेंगे प्रेस सभी में तरीके से, और प्रेस करके इसके ऊपर लगा देंगे हम पिस्ता। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया पिस्ता।
अब हम इसको या तो माइक्रोवेव में हमें बनाना है तो इसको माइक्रोवेव की ट्रे पर हमें बटर पेपर लगा के इसे रख देना है। लेकिन क्या होता है कि सभी के घर में माइक्रोवेव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इसे बनाते हैं गैस पे। तो गैस पे रखते हैं एक हम कढ़ाई, जो कढ़ाई थोड़ी भारी हो या नॉन स्टिक हो आपके पास में, तो हम रखते हैं कढ़ाई। तो ये रख दी हमने कढ़ाई, हमने इसमें कुछ भी डाला नहीं है, ना नमक ना कोई घी ना तेल, सिर्फ कढ़ाई रख दी है। अब लेते हैं एक प्लेट, तो लेते हैं एक ऐसा स्टैंड, उसको रख देते हैं हम कढ़ाई में। अब लेते हैं एक प्लेट, इसको मैंने घी लगा के रखा है पहले से ही, और इस पे लगा देंगे ये अपनी नान कटाई। तो ये सभी पीस हम इस पे लगाते जाएंगे। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो मैंने प्लेट भी इसीलिए छोटी ली है। बस इस तरीके से हम रख देंगे। अब देख देंगे इसे कढ़ाई में, बस इस तरीके से हमें रख देनी है कढ़ाई में, और कढ़ाई को ऊपर से ढक देंगे इस तरीके से कि इसकी साइड से कोई भाप ना निकले और ये अच्छे से दबी रहे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी ऊपर है तो आप इसके ऊपर कुछ भी वजन रख सकते हैं जिससे कि ये दबा रहे, और इसे हम 20 मिनट के लिए इसी में पकाएंगे। जो नीचे से इसकी तपत लगेगी गर्मी, उससे ही हमारी नान कटाई पक जाएगी। अब हमारी नान कटाई को रखे हुए 20 मिनट हो चुकी है लगभग, तो हम इन्हें देख लेते हैं। वाह, देखिए कितने अच्छा कलर आया है। अब गैस का फ्लेम कर देते हैं हम बंद, और इसको आसानी से हम निकाल लेते हैं प्लेट को। तो ये देखिए नान कटाई हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखो ये कितनी आराम से, कितनी बढ़िया, एकदम सॉफ्ट नान कटाई बनके हमारी तैयार हुई है। तो आप इसी तरीके से इसे, इसमें देखिए ये हल्का सा क्रैक भी है, तो ये ऊपर से भी और अंदर से भी आराम से सिक चुकी है। तो आप इसे इसी तरीके से घर में बनाएं, और बिल्कुल फ्रेश आपको नान कटाई खाने को मिलेगी, और आप इसे बना के एक महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।